डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, पूर्व में कोंकण कृषि विद्यापीठ, भारतीय राज्य महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली में एक कृषि विश्वविद्यालय है। यह 18 मई 1972 को कोंकण कृषि विद्यापीठ के रूप में स्थापित किया गया था और इसका वर्तमान नाम 12 फरवरी 2001 को महाराष्ट्र के तीसरे मुख्यमंत्री श्री की स्मृति में मिला। इस विश्वविद्यालय में निम्न कॉलेजेस आते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दापोली, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दापोली, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री दापोली, कॉलेज ऑफ फिशरीज रत्नागिरी। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। इस विश्वविद्यालय से आप BFSC फिशरीज साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रल मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BTech फूड टेक्नोलॉजी, BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MFSc फिशरीज, MSc एग्रीकल्चर, MTech एग्रीकल्चर, PhD फिशरीज, PhD एग्रीकल्चर, PhD फॉरेस्ट्री आदि कोर्सेस कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे विश्वविद्यालय में पुरुष एवं महिला छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है, PG और UG छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक कॉमन रूम, हॉस्टल लाइब्रेरी, कलर TV, गेस्ट रूम के लिए चैटल, इंडो गेम्स रूम आदि से लैस किया गया है। संस्थान अपने छात्रों और स्टाफ सदस्यों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों के लिए विभिन्न डोमेन की लगभग 25,000 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में बहुत सारे शोध पत्र, पत्रिकाएं और ई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। कॉलेजों में छात्रों के लिए खेल अभ्यास के लिए सभी सुविधाएं हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेल से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्वविद्यालय में छात्रों के प्लेसमेंट के लिए एक प्लेसमेंट सेल है, जो विश्वविद्यालय के युवा स्नातकों के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह छात्रों के लिए कई सेमिनार, व्याख्यान, कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करता है। यह छात्रों को प्लेसमेंट की जानकारी प्रदान करता है और कैंपस इंटरव्यू की भी व्यवस्था करता है। यह समय समय पर व्यक्तित्व विकास करिया मार्गदर्शन व्याख्यान भी आयोजित करता है। विश्वविद्यालय में विभिन्न कृषि कंपनियों द्वारा कृषि स्नातकों का चयन किया जाता है। औसत पैकेज 2 लाख का रहता है। विश्वविद्यालय में शोध कार्यों के लिए शोध निर्देशालय की स्थापना की गई है, जहां कृषि वैज्ञानिक शोध कार्य करते हैं। इस विश्वविद्यालय ने अनाजों, दालों, तिलहनों की बहुत सारी उन्नत किस्मों का विकास किया है, जो महाराष्ट्र राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कृषि परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।